साधु के भेष में लड़की का बलात्कार करता था, वो आज मुसलमान बनकर हज कर लड़की के ऊपर में गंदा हाथ डालता है, गंदा नजर डालता है। आज तो उसके लिए दीदी को यह आवाज उठाकर उसको गिरफ्तार करना चाहिए, काउंसलर पद से तुरंत उनको निलंबित करना चाहिए, पार्टी से उसको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं आवाज आप तक। 39 नंबर वार्ड के काउंसलर मोहम्मद जैसमुद्दीन के खिलाफ एक संगीन आरोप लगाया गया अर्शी नामक एक लड़की के द्वारा। आपको बता दे लड़की ने जोरासा को थाना में कंप्लेन भी दर्ज किया। हालांकि 3 दिन तक कोई अपडेट नहीं मिलने पे कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के सभी नेताओं ने थाना घेराव का अभियान शुरू किया, जिसमें उन्होंने थाना के पास आके प्रोटेस्ट किया और लड़की के लिए इंसाफ की मांग की। आपको बता दें वहां पे लड़की की मां भी मौजूद थी। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं उन्होंने क्या कहा। हम आपका पूरा मदद करेंगे। और अर्शी जो आपका एफआईआर लिया कि नहीं? एफआईआर लिया है और गिरफ्तार करेंगे, पुलिस बोला है। 1 दिन का टाइम दीजिए हमको, 1-2 दिन का। वगैरह मिल रहा है ऐसा कुछ कह रही थी आप? हाँ, धमकी मिल रहा है, घर में भेज रहा है आदमी और बोल रहा है वीडियो है, ये है, दिखा देंगे। आप भी अर्शी का इज्जत को बचाइए, आपस में बैठ के बात कर लीजिए, मिचिल कर लीजिए और माफ़ी एक चांस दे दीजिए। वो माफ़ी मांग रहा है तो मैं उनको जो आए थे उनको बोला हम अब क्या माफ़ी देंगे, मेरा बेटी का तो पूरा इज्जत खत्म कर दिया। काउंसिलर के खिलाफ आज भी दिया गया? नहीं, 2 दिन आगे आए थे। काउंसिलर के खिलाफ इस तरह से लड़ना कितना आसान है और कितना मुश्किल? एक काउंसिलर किसी लड़की का इज्जत लूटे, किसी लड़की को ब्लैकमेल करे और आप देख रहे हो वो काउंसिलर है, वो पापी है, वो नहीं देख रहे आप? हाँ, एक नेता बहुत अच्छा होता है, कोई नमाज पढ़ता है वो भी बहुत अच्छा होता है। आप प्रशासन से किस तरह का मदद जस्टिस चाहते हैं? हम पूरा जनता से मदद चाहते हैं, मेरा अर्शी का इंसाफ होना चाहिए। जब अर्शी अपना लड़ाई लड़ने के लिए खड़ी हुई है, अपना इज्जत का परवाह ना करते हुए वो खून के पूरे इमाम के सामने आई है, अर्शी का इंसाफ चाहिए। अगर दबाव तो खराब हो गया मेरी बेटी का, अब मैं क्या दबाव में आऊंगी? इंसाफ के मुतालिक कोई डर नहीं है यहाँ पे। क्या जसीमुद्दीन को अरेस्ट कर लेने से आपको इंसाफ मिल जाए? जसीमुद्दीन को अरेस्ट करके कानून सख्त से सजा दे ताकि इस देश की हर लड़की शान से जिए और कोई दरिंदा इस तरह से ब्लैकमेल करके उसका शोषण नहीं करे। दीदी का राज है और दीदी के राज में अगर एक लड़की को इंसाफ नहीं मिलता है, आपके पार्टी का काउंसलर एक लड़की को सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है, तो उसके लिए दीदी को यह आवाज़ उठाकर उसको गिरफ्तार करना चाहिए, काउंसलर पद से तुरंत उनको निलंबित करना चाहिए, पार्टी से उसको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। कि इस तरीके के काउंसलर जिसके वजह से पूरे तृणमूल कांग्रेस का नाम खराब हो रहा है, इस इलाके के MP सुदीप बंदोपाध्याय का वो नाम लेकर लड़की को हड़काता है, इस इलाके का MLA विवेक गुप्ता जी का नाम लेकर वो लड़की को डराता है, तो विवेक गुप्ता जी को, सुदीप बंदोपाध्याय जी को सामने आकर उस लड़की के घर में जाकर मिलना चाहिए और उस लड़की को ये आश्वासन देना चाहिए कि सुदीप बंदोपाध्याय जैसे MP हैं, विवेक गुप्ता जैसे MLA हैं, तो कोई भी लड़की का बलात्कार, कोई भी लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट उनके इलाके में तो नहीं होगा। मैं यही दावी के साथ इस थाना के सामने खड़ा हुआ हूँ कि थाना के प्रभारी जो हैं उनको ये मैं कहने आया हूँ कि आप जो सेक्शन उसके ऊपर में लगाए हैं वो सारा अवेलेबल सेक्शन है, नॉन अवेलेबल सेक्शन लगाकर जसीमुद्दीन को 24 घंटे के अंदर में गिरफ्तार करें। ये कोई योगी का राज नहीं है, ये तो जुडिशियरी मैटर है, उसको पुलिस, हमारा संविधान ये अधिकार देता है, एक महिला को अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है, एक महिला के घर में कोई रात को 2 बजे घुसकर जबरदस्ती उससे बात करता है, उसकी गंदी वीडियोस और फोटो निकाल कर उसको ब्लैकमेल करता है, तो पुलिस का क्या अधिकार होना चाहिए, क्या कार्रवाई होना चाहिए? आप लोग बताइए, जो व्यूवर्स आपके मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं उसमें आप लोग बताइए कि पुलिस को उस काउंसलर को अरेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चोर कभी ये नहीं कहता है कि मैंने चोरी किया। जज के सामने कोई भी चोर जज के सामने जब खड़ा होता ना तो कहता है कि आई एम नॉट गिल्टी। सब चोर यही कहता है,
और जसीमुद्दीन का ये कांड तो सामने आया क्योंकि लड़की ने हिम्मत दिखाया। इस तरीके का कई कांड उसके ऊपर होगा जिसमें लड़की डर कर अपने घर में सहम कर रह जाती है क्योंकि ये रूलिंग पार्टी का तृणमूल कांग्रेस का ये काउंसिलर है और सच्चा पक्का मुसलमान है, हाजी साहब है, इस तरह के ये पाखंडी है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि चिन्मयानंद जिस तरीके से पखंडी है, साधु के भेष में लड़की का बलात्कार करता था, वो आज मुसलमान बनकर हज कर लड़की के ऊपर में गंदा हाथ डालता है, गंदा नजर डालता है। आज मैं अर्शी को अपनी बेटी बोले, हम बोल रहे हैं कि अर्शी मुझे बड़े फंसने के बाद बेटी नहीं, अब तो माँ बोलेगा कुछ दिन में, लेकिन आज उनको बेटी नजर आ रहा है। गंदा गंदा वर्ड जो मैं आपके मीडिया के सामने खुलेआम इस्तेमाल नहीं कर सकता, इस तरीके का वर्ड इस्तेमाल करेगा बेटी बेटी से कोई बाप, शर्म आता है, बाप के इज्जत को इसने तार तार कर दिया है। अब इस शेरी को कितना दूर तक ले जाइएगा? 24 घंटे का समय दिया गया है पुलिस को कि आप उनको गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने में पेश करें। अगर पुलिस नहीं करती है तो ये 39 नंबर वार्ड की जनता यहाँ मौजूद है, 39 नंबर वार्ड की जनता सड़क पर उतर के चक्का जाम करेगी, तब कमिश्नर को भी समझ में आएगा, डिप्टी कमिश्नर को भी समझ में आएगा और मुख्यमंत्री को भी समझ में आएगा। 354A, 354D, 341 और 506 लगाया गया धारा है, सब तो अवेलेबल है, आसान धारा। हमारा यही कहना है कि जब किसी लड़की की इज्जत पर हाथ डाला जाए तो नॉन अवेलेबल सेक्शन लगाकर उसको पहले अरेस्ट किया जाए, क्योंकि लड़की के परिवार को ये पुलिस ये भरोसा दिलाए कि उसके साथ में कोई गुंडा बाहर रहकर गलत नहीं करेगा। पुलिस को यह भरोसा दिलाना चाहिए लड़की के परिवार को कि हम पुलिस आपके साथ खड़ी है, आपको कोई भी डरा धमका नहीं सकता है। ये आवेदन लेकर आज हम पुलिस के सामने मौजूद हुए हैं। क्या होता है 354D क्या होता है? उसने एक लड़के पर जो यूथ कांग्रेस यूथ तृणमूल का जो सदर है, प्रेसिडेंट है सनी के ऊपर में, कि 2014 से 2022 तक उसने उसका रेप किया। उसके बाद मोहम्मद जसीमुद्दीन ने उसके साथ गंदे अल्फाज, जो मैं आप मीडिया को नहीं बताना चाहता हूं, मुझे बोलने में शर्म आती है। आप लोग देखे होंगे कि वो किस तरह का उसके ऊपर में ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वहाँ का जो काउंसलर है उस लड़की को तरह तरह से मजबूर करता है कि उसके साथ जाकर सेक्स करे। तो एक नुमाइंदा, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो उस इलाके का नुमाइंदा है, जिसको लोग वोट देते हैं कि आप मेरे इलाके के सरपरस्त हैं, मेरे इलाके के आप मुखिया हैं, मेरे इलाके के बड़े हैं, यहाँ कुछ भी होगा, सिर्फ नाली साफ करना या बिल्डिंग बनाना उनका काम नहीं होता है, हर मामले हर मुद्दे को वो सॉल्व करेंगे। लेकिन उन्हीं के ऊपर में, मोहम्मद जसीम के ऊपर में ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने ऐसा हरकत किया। 5 दिन पहले तकरीबन जोड़ासा को थाना में FIR होता है, मजबूरी में ये लोग FIR लेते, उससे पहले ममता बनर्जी को, उससे पहले सुदीप बंदोपाध्याय को, उससे पहले शशि पांजा को, वो लड़की ने बाई पोस्ट चिट्ठी दिया था। उसके बाद जब कोई कार्रवाई नहीं होती है तो कुछ लोग सोशल मीडिया लेकर वो लड़की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसके बाद FIR होता है मामूली धारा में। 376 जो होना चाहिए था, जिसको रेप कहते हैं, वो धारा में उनका FIR नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? और अगर जो भी धारा नॉन अवेलेबल है उसमें उनका अरेस्टिंग अभी तक क्यों नहीं किया गया? इसलिए नहीं किया गया कि मोहम्मद जसीमुद्दीन इनलीगल कंस्ट्रक्शन करवाते हैं और 1000 रुपये स्क्वायर फीट थाना को देते हैं, इसलिए उनके ऊपर में अभी तक FIR नहीं किया गया, FIR हुआ है, अरेस्ट नहीं किया गया। क्यों नहीं? क्या यहाँ के OC और काउंसिलर जो मोहम्मद जसीम है उनसे कोई रिलेशन है, लेन देन का कुछ मामला है? अगर एक मैं कांग्रेस अखिलेती सूबे का चेयरमैन हूँ, अगर कोई मुझ पर आकर ये इल्ज़ाम लगाएगी तो पुलिस अभी 24 घंटे से पहले मुझे अरेस्ट करेगी या थाना में बुलाकर मुझे पूछेगी कि आपके खिलाफ में ये इल्ज़ाम लगाया गया है। तो यहाँ के काउंसलर को क्यों नहीं अभी तक अरेस्ट किया गया? हम लोगों का ये डिमांड है कि उस लड़की को इंसाफ मिलनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए कि ये क्या मामला है। और अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो कल ही हम सेंट्रल एवेन्यू का घेराव करेंगे अखिलेती सूबे की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। ये मैं यहाँ के ऑफिसर को चेतावनी देने आया हूँ। अर्शी ने जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया वाइट किया, उसमें सनी पे रेप का आरोप लगाया, जसीमुद्दीन पे मोलेस्टेशन मेंटल हैरेसमेंट का आरोप लगाया जी, लेकिन उस लड़की ने ये भी कहा है कि उसने पैसा दिया था, सनी को पैसा देता था। आपने जब पूरी बात कहा कीजिए, पूरी इंटरव्यू को देखा कीजिए, उसने वो इल्ज़ाम लगाया कि सनी को पैसा मोहम्मद जसीम देता था और वो करवाता था।
तो चोर चोरी करने वाला भी और चोर की मदद करने वाला भी दोनों पर एक ही FIR होता है, एक ही कानूनी कार्रवाई होती है, पुलिस दोनों को ही पकड़ती है। तो एक काउंसलर अगर इस तरह का हरकत करता है, जो कभी मक्का मदीना का हवाला देता है, कभी खाने काबा का हवाला देता है, कभी सरकार द्वारा रसूल सल्लम का जो है का हवाला देता है, वो कैसा क्या है? वो तो हमको लगता है कि वो मुनाफिक टाइप का आदमी है। लगातार कह रहे हैं कि इस चीज़ को सियासी रंग दी जा रही है। कोई सियासी रंग नहीं, कहाँ पार्टी का झंडा है? क्या एक लड़की के साथ आकर मासूम के साथ खड़ा होना सियासत है? तो मैं सियासत करता हूँ। क्या सियासत किया? कांग्रेस का कोई बयान आया? किसी दूसरी पार्टी का कोई बयान आया? नहीं आया। क्या मैं आकर एहतजाज नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? किसी की बेटी है, किसी की बहन है, वो मेरा ये हक बनता है। मैं हिंदुस्तान का एक नागरिक हूँ, मुझे आना चाहिए और आप लोगों को भी आना चाहिए। देखिए, पूरा बंगाल आज इस बात के लिए धिक्कार जना रहा है कि जिस तरह एक लड़की को, एक बंगाल की बेटी को और रोलिंग गवर्नमेंट के काउंसिलर जसीमुद्दीन ने जिस तरह से उसके साथ व्यवहार किया है और उस लड़की के तहत कि उसका रेप हुआ है, हम तमाम लोग, आज पूरा इलाका गमगीन है। आज पूरा कलकत्ता शहर आज शर्म से डूबा हुआ है कि जिस कलकत्ता शहर में हम अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा हिफाजत की, उन लोगों को बोलते थे कि आपको हिफाजत दी जाएगी, हम सुरक्षा देते हैं, मोहल्ले से बुज़ुर्ग से लेकर नौजवान तक उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आते थे, आज उसी कलकत्ता शहर KMC के काउंसिलर ने एक ऐसा दरिंदगी की है जिसकी मुखालफत पूरी मगरबी बंगाल कर रही है। इसलिए मुझे आज अफसोस है कि रूलिंग पार्टी का एक काउंसिलर आज इस तरह से दरिंदगी करता है और उनके नेता चुपचाप बैठे क्यों रहते हैं। आज जिस मणिपुर के लिए ममता बनर्जी 21 जुलाई के मंच पर जाकर गुहार लगाती है, आज उसी बंगाल में उनके ही लीडर, उनके काउंसिलर दरिंदगी कर रहे हैं और हमारी माँ बहनें उसकी शिकार हो रही हैं। हम धिक्कार जनाते हैं। लेकिन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान क्या है, ये सब इल्जाम बेबुनियाद है? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने जो भी कहा है बेबुनियाद की बात कही है, ये लोगों ने देखा है। उसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियो टेप्स इस बात को जाहिर करते हैं कि जसीमुद्दीन ने जिस तरह से बातें की हैं, उन बातों में साफ हो जाता है कि अक्यूज्ड है वो आसामी है। और आज पूरा मगरबी बंगाल, न सिर्फ कलकत्ता शहर, कि अर्सी जो लड़की केले बागान की है, उन्होंने साफ आकर के इंसाफ की गुहार लगाई है। उन्होंने साफ, उस लड़की ने साफ जो है कहा है कि हमें कोई भी मदद के तौर पे सामने आ सकता है, हमारी मदद कर सकता है, हम एक मुस्लिम लड़की हैं और इस वजह से जो है हम आप लोगों से उम्मीद की दरख्वास्त रखते हैं, हम अपने लिए इंसाफ की गुहार लगाते हैं। उन्होंने वो लड़की बिल्कुल खुले तौर पर सबसे जो है इंसाफ की गुहार में अपना साथ मांग रही है, तो इसलिए हम आज उसके साथ हैं। एक तो महिला होने के नाते आप कितना सेफ फील कर रही हैं? देखिए, हम महिला होने के नाते बिल्कुल भी, देखिए अभी जो हिंदुस्तान की हालत है, हर जगह की यही कहानी है, हम औरतें अपने आप को बिल्कुल महफूज में जो है महसूस नहीं करती हैं। हम घर में हो या बाहर हो, हर जगह हमें खतरा का एहसास होता है। आज एक मासूम बच्ची जो जन्म लेती है, उस वक्त से लेके वो जब तक वो जो है उसकी मौत नहीं होती, तब तक उस पर खतरा मंडलाता रहता है। खतरा किसी भी शक्ल में आ सकती है, पड़ोसी के शक्ल में आ जाती है, कभी राहगीर के शक्ल में आ जाती है, कभी जो है आप समझिए कि रिश्ते की शक्ल में आ जाती है। तो औरतें कहाँ महफूज है, कैसे महफूज, वो किसको अपना हमदर्द समझे, किसको अपना दुश्मन समझे। हम अगर किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो एक रिश्ता बनता है, लेकिन उस रिश्ते में कितनी ईमानदारी है ये तो सामने वाले को दिखाना पड़ता है। तो वैसे ही अर्सी ने अपने जो उनसे जसीम जो है काउंसलर है उनसे, उन्हें उस लड़की ने जो है बड़े अब्बा का रिश्ता बनाया था, लेकिन उनका वीडियो आप देखिएगा, उस वीडियो में साफ है कि वो उस लड़की को अपनी बेटी का दर्जा नहीं दे रहे हैं। उनके भी तो घर में बेटी है। मांग यही है कि अर्सी को इंसाफ मिलना चाहिए। हम लोग उसके साथ हैं। शुक्रिया।